करेंगे दूसरी खबर की, यानी कि गुजर गई तारीख। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए 10 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन 10 महीने के बाद भी जीतू पटवारी अपनी टीम बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि मंगलवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया था कि उन्होंने कल कही थी और उसके बाद नहीं हो पाती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए उठता है कि ऐसा तो नहीं कि जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं दखलंदाजी ज्यादा कर रहे हैं, और यही कारण है कि बार बार जो यहाँ से कार्यकारिणी का प्रारूप बनाकर भेजा जाता है वो दिल्ली में अटक जाता है। और कल की घटना के बाद भी, कल के उनके ऐलान के बाद भी अगर घोषणा नहीं हो पाई, प्रदेश कार्यकारिणी सामने नहीं हो पाई, तो इस बात को और कहीं ना कहीं पुष्टि मिलती है, पुख्ता होती है। जी अनुराग, कई तरह की स्थितियां बन रही है। पिछली कार्यकारिणी को देखे तो 1000 से ज्यादा पदाधिकारी थे, यानी जम्बो कार्यकारिणी इस बार नहीं, संतुलन बनाने की कोशिश है, यानी पुराने को भी और नए को भी साध कर दोनों तरफ का जो तालमेल है क्या वो बनता हुआ नजर आएगा? देखिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमलनाथ के समय जिस तरह की कार्यकारिणी थी कि कितने बड़ी संख्या में उपाध्यक्ष महामंत्री मंत्री बन गए थे। अब अगर आप उनको हटाते हैं तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी या नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो पदाधिकारी हैं या प्रभारी हैं उनको ये डर रहेगा कि ये तमाम लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले इतने लोगों को मोबिलाइज कर दिया। यहाँ एक मुश्किल आ रही है। दूसरी मुश्किल यह है कि जो पिछली कार्यकारिणी में कमलनाथ समर्थकों की संख्या बड़ी थी, दिग्विजय सिंह के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अगर आप इनके समर्थकों को जगह नहीं देंगे तो ये दोनों बड़े नेता भी नाराज हो जाएंगे। तीसरी बड़ी बात है कि जीतू पटवारी एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं और सिर्फ काम करने वालों का प्रारूप भेजते हैं, तो वहां पर जब कार्यकारिणी घोषित होगी उसके पहले कांग्रेस हाईकमान एक बार जरूर बात करेगा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से, और कहीं ना कहीं अगर वो बोलते हैं कि यार ये नाम नहीं है या वो नाम नहीं है या ये नाम गलत है या वो नाम गलत है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और यही मुश्किलें जीतू पटवारी के सामने आ रही है और ये कार्यकारिणी लगातार लंबित होती जा रही है, नहीं आ पा रही है। जी तो बिल्कुल, अब देखना होगा गुटी राजनीति का चैप्टर क्लोज होता है या नहीं, क्योंकि लगातार गुट की जो संभावनाएं थी वो बनती हुई नजर आई है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और